महादेव के व्रत में, या फिर आपका मन यूं ही खाने का करे तो इसे आसानी से बना भी सकते हो और इंग्रेडिएंट्स वही जो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे और मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है। और मार्केट में जितना महंगा पड़ता है अगर आप उसे मार्केट से लेंगे तो घर में पड़े इंग्रेडिएंट्स से तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस गिने चुने 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स से उसे आप ले लेंगे और उसे बनाना शुरू कर देंगे। तो जिसके लिए हमने क्या करा है, हमने ले लिया है 1/2 kg से भी ज़्यादा हमने थोड़ा सा दही ले लिया है। ये नॉर्मल काउ मिल्क वाली दही है, आप चाहे तो गाढ़ी दही होती है वो भी ले सकते हैं। तो दही तो कोई बात नहीं, पतली गाढ़ी कैसी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, इस दही को आपको छान लेना है। तो छानने का प्रोसेस आपको बता देते हैं। आपको छन्नी बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको ऐसा पतला जालीदार कपड़ा ले लेना है, कुछ भी आप ले लेंगे, इस तरह से आप ले लेंगे। एक बड़े बाउल के ऊपर इसे अच्छे से डोरी बांध के बांध लेंगे या यूँ ही इसे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे टाइटली बांध देते हैं पहले, ताकि इसमें बिल्कुल भी दही इसके भीतर ना जाए, इसलिए अच्छे से पैक हो जाए। इस तरह से इसे अच्छी तरह से गांठ मार के बांध लेंगे हम। इतनी गजब की रेसिपी है ना फ्रेंड्स, इसे एक बार बनाएंगे तो आपको इतना मज़े आने वाला है इस रेसिपी में। और इतना स्मूथ टेक्स्चर है इसका, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, हमें तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आज एक बार ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली रेसिपी है ये। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपने जो बाउल लेंगे ना बड़े साइज़ का ही लेंगे, छोटे साइज़ का बिल्कुल भी नहीं लेना। जिसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ना आसानी से इसमें खट्टा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसी में डाल देंगे दही। तो हल्का लूज़ ही बांधेंगे ताकि आपको आसानी हो डालने में। अगर टाइटली बांधेंगे तो दही इसमें खट्टी शुरू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले से डालेंगे, अच्छे से इसका पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा निकाल देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, गांठ खोल के इसे पहले जो एक्स्ट्रा पानी हल्का सा हाथों से इसे प्रेस कर देंगे, निकाल देंगे। ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना, छेड़ना नहीं तो आपकी दही सारी बाहर आने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे थोड़ा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी जो निकाल देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी नीचे से ना लगे, जब इसमें बांधेंगे ना दोबारे से इसमें नीचे ना लगे। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले फेंक देंगे फिर दोबारे हम इसमें बांध देंगे। तो इस तरह से जो सभी दही को हमने इस तरह से कर लिया है, तो हमने क्या करना है फिर, जो दही हमने इसमें डाली है ना अब इसे छेड़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा घुमा के इसे ऐसे रहने देंगे। इसे हम डायरेक्टली फ्रिज में रखेंगे, आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होगा, अच्छे से सेट भी हो जाएगी, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल भी जाएगा। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं हम 6 से 7 घंटे के लिए। तो 6 से 7 घंटे हो गए फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया, हमने बीच बीच में इसका पानी निकाल दिया था। और 6-7 घंटे में देख सकते हैं कितनी पीस वाली दही आपकी बनकर तैयार होगी, जैसे दही होती है ना उस तरह से। तो इससे आप वैसे अगर आपने बाहर ही रखा है, स्मूथ नहीं हुई दही की तरह टेक्स्चर नहीं आया, तो इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा सेट हो जाइए। तो हमने क्या करना है, एक थाली परात जो भी लेंगे, बाउल कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दही है इसकी पीसेस वाली, इस दही को हम इसमें से निकाल देंगे, एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे इसे इस तरह से। तो देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कैसा है, बिल्कुल है ना स्मूथ, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से हम बारी बारी कर सभी दही को इस तरह से निकाल देंगे। और कोशिश करें फ्रेंड्स, दही खट्टा ना हो, हल्का सा खटास हो, ज़्यादा खटास ना हो, मीठी दही हो, उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल मीठी दही भी नहीं कह रहे, हल्की सी खटास तो होनी चाहिए, उससे काफ़ी गजब की बनती है रेसिपी। तो इस रेसिपी का नाम क्या है, आप जानते हो फ्रेंड्स रेसिपी का नाम क्या है, तो गैस करके बताइए इसका क्या नाम है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपने इसका नाम क्या सोचा था पहले। तो इस तरह से आप इसे फास्ट में कभी भी आपका मन खाने का कर खा सकते हैं। फास्ट में इसे खाएंगे ना काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, और काफ़ी रिच रेसिपी है ये, और इंग्रेडिएंट्स इतने कम है और देखने में इतनी रिच है रेसिपी, मज़ा आ जाएगा। तो इसमें चारों तरफ जो लगा है ना कपड़े में, हम इसे निकाल देंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो किनारों पे लगा है ना काफ़ी ज़्यादा ठीक है ये, इस पोर्शन को हम निकाल देंगे। तो सभी को हमने निकाल दिया है, और इसका टेक्स्चर देखिए फ्रेंड्स कितना गजब का है ना, बिल्कुल स्मूथ। हम स्पैचुला से पहले इसे इस तरह से कर लेंगे, अगर आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से क्या होगा ना, इसका बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा पहले स्पैचुला से कर लेंगे, उसके बाद इसे हाथों से करेंगे। अच्छी तरह से कर लेना, जो इसमें दाने पड़े होंगे ना दही में, दाने क्या होगा स्मूथ हो जाएंगे, जैसे स्मूथ टेक्स्चर होगा ना बस उस तरह का हो जाएगा। तो उंगलियों की सहायता से इस तरह से कर लेंगे, हमें तब तक इस तरह से बीट करना है जैसे आपकी व्हिप्ड क्रीम होती है ना, व्हिप्ड क्रीम बनकर बीट हो जाती है, फ्लफ़ी सी हो जाती है रुई की तरह, बस उस तरह से इसे करना है, एक फ्लफ़ीनेस आ जाए इसके अंदर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फ्लफ़ी हो गई है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है, जैसे व्हिप्ड क्रीम ही होगी उस तरह की हो गई, बस हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पे हम इसे रोक देंगे, और आप हम बताते हैं इसमें हमने क्या करना है। तो इसे रख दिया है एक तरफ, फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सेट हो जाएगी वो भी। तो हमने ले लिया है एक नॉर्मल आम, दशहरी आम ही लिया है हमने, आप कोई सा फ्लेवर का ले सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी अच्छी मिठास होती है, तो हम इसमें दशहरी आम ही ले रहे हैं। तो एक ही आम लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीसेस निकाल देंगे इस तरह से, जिससे हमें निकालने में आसानी होगी।
तो इसे हम निकाल देंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। तो हमने इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है, ताकि स्मूथ बिल्कुल भी लम्स ना हो पेस्ट में, इसलिए हम इसे स्मूथ पेस्ट बना देंगे। ये आम का सीजन चल रहा है, तो हम इसमें आम ही डाल रहे हैं। अगर आपके पास चीकू है, बनाना है, कुछ और फ्लेवर डालना चाहते हैं, ग्रेप्स डालना चाहते हैं, कुछ और डालना चाहते हैं, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। जौन से फ्लेवर का आप श्रीखंड बनाना चाहते हो, उस तरह का श्रीखंड बना सकते हैं। तो आपको मेरा नाम तो बता ही दिया है फ्रेंड्स, हम इसे बना रहे हैं श्रीखंड। तो इसका हम क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने से पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने 5 से 6 चम्मच चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो डाल सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, तो चीनी हमने डाल दी 6 चम्मच चीनी इसमें डाल देंगे। और इसका ढक्कन लगा के क्या करेंगे, इसका स्मूथ पेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल दरदरा नहीं, स्मूथ पेस्ट बना देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें 1 इलायची भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया है। तो देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बना है, देखने से ही लग रहा है कितना स्मूथ टेस्ट बना है, पेस्ट बना है। तो बन गया ना स्मूथ पेस्ट। तो बस हमें यही चाहिए था, इसे छनने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अंगूर का बनाएंगे तो अंगूर को ज़रूर छान लीजिए, तो उससे क्या होगा, जो उसके लम्स होंगे ना, सॉरी जो उसका छिलका होता है ना बाहर का, वो निकल जाएगा। तो इस तरह से कोई सा फ्लेवर का बना सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, या फिर अनानास का भी बना सकते हैं। तो सभी को हमने इसमें डाल दिया, इस तरह से इसमें डाल देंगे। इतना गजब का श्रीखंड बनेगा ना फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे कितना गजब का बना है। अगर आप इसमें कोई भी फ्लेवर, मैंगो या फिर कोई और फ्रूट नहीं डालना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी में जो हमने दही का लिया है ना पेस्ट बनाकर, बीट बनाकर, तो आप इसमें क्या कर सकते, चीनी पाउडर होता है ना, चीनी पाउडर को भी मिक्स कर सकते हैं। 7 से 8 चम्मच चीनी पाउडर का उसमें मिक्स करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, उससे भी टेस्ट इसका गजब का बनता है। और ड्राई फ्रूट डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं, और अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, वो तो हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मली आम हमने एको ले लिया है, हमने क्या करना है, थोड़ा और टेस्ट में अच्छा लगे तो हम क्या करेंगे, इसकी छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, बिल्कुल बड़े पीसेस नहीं, छोटे छोटे पीसेस ही करने हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से कर देंगे। और देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पीसेस हुए हैं, जो खाने में बीच में काफ़ी टेस्टी लगते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इसमें कुछ नट्स भी डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप खा सकते हैं, कुछ बादाम, पिस्ता, कुछ भी आप डाल सकते हैं हल्का ड्राई कर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा केसर भिगा के रखा था दूध में, तो उससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो थोड़ा सा इसमें पिस्ता और काजू, सॉरी बादाम हमने डाल दिया है बारीक चॉप कर, इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है इसका, इतना मज़ेदार, इतना स्मूथ टेक्सचर बनाया है इसका, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना है। अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी में एकदम से पतला होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे सर्दी में बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे एक बाउल में या फिर 2 बाउल में, जिसमें भी आपका आएगा क्वान्टिटी में, तो इसे ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। तो इसे बाहर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, अभी खाने के प्रोसेस में नहीं हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में ही रखेंगे, ताकि ये थिक हो जाए। तो इस तरह से सभी को हम इसमें डाल देंगे। कोई से भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो इसमें मिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा इसमें बादामी सर्व कर रहे हैं इस तरह से, थोड़ा सा इसमें पीसेस और ले लिए हैं मैंगो के, बड़े बड़े टुकड़ों में, जो देखने में सुंदर भी लगेगा और खाने में मज़ा भी आएगा। तो इसमें थोड़ा सा बादाम डाल दिया है हमने, और इसे हम सेट होने के लिए रख दिया था। तो सेट होने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने फ्रिज से निकाल दिया है, तो कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका, इस तरह से। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है। और इसे हम आपको बताते हैं चम्मच से किस तरह से इसका टेक्सचर है। तो देख सकते हैं, लग रहा है ना आपको स्मूथ बिल्कुल। तो ये हमारी गजब की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। महादेव का भोग इसे लगा सकते हैं श्रीखंड से, इतनी गजब की रेसिपी है, किसी भी व्रत में खा सकते हैं, और आपका इसे खा के मन भी शांत हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा रिच रेसिपी है, और इंग्रेडिएंट्स वही इतने कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगी। तो इसे तो हम खाने चल पड़े हैं। तो आप कब बना रहे हो फ्रेंड्स, तभी भी बनाओगे फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर 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 बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जिससे क्या होगा, जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा घंटी का बटन दबाने से। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।